उधर रूस ने दावा किया कि यूक्रेन के हमले में भारी नुकसान पहुंचने के बावजूद उसका एक सुखोई विमान सुरक्षित लौटने में कामयाब रहा। बाद में इस लड़ाकू विमान का वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया, जिसमें दिखा कि यूक्रेन की मिसाइलों ने रूस के इस सुखोई विमान को बुरी तरह तोड़फोड़ दिया था। विमान के चारों तरफ हमले के निशान साफ दिखाई दिए, लेकिन ज्यादा नुकसान उसके पिछले हिस्से में नजर आया, जिससे ये अंदाजा लगाया गया कि उस पर पीछे से हमला किया गया होगा। उसका एक इंजन तो पूरी तरह तबाह हो चुका था, यानी दूसरे इंजन के सहारे ये विमान किसी तरह हमलों से बचता हुआ रूस के सैन्य ठिकाने तक पहुंच सका। इस बीच ब्रिटेन ने यूक्रेन के मिलिट्री बेस में रूसी जासूसों की घुसपैठ का शक जताया, और ये शक दो दिन पहले पोलैंड बॉर्डर के पास लविव शहर में पश्चिम यूक्रेन के एक मिलिट्री बेस पर हुए हवाई हमलों के बाद जताया गया, जिसको लेकर ब्रिटेन को आशंका है कि रणनीति के तहत रूस ने इस मिलिट्री बेस पर मौजूद विदेशी लड़ाकों के ग्रुप में अपने जासूसों को शामिल करवाया, जिन्होंने पोलैंड और यूक्रेन बॉर्डर के पास मौजूद इस बेस पर हवाई हमले से पहले पूरे इलाके की सटीक जानकारी रूस को मुहैया करवाई। और ये शक उस वक्त और गहरा गया जब यूक्रेन की सेना के गार्ड ने मिलिट्री बेस पर हमलों से ठीक पहले से एक संदिग्ध को लैपटॉप के साथ भागते हुए देखने का दावा किया। इन हमलों में मारे गए 35 लोगों में कई ब्रिटिश लड़ाकों के भी मारे जाने की खबर आई थी, जिसके बाद ब्रिटेन की खुफिया एजेंसियों ने इसकी जांच शुरू की।